हर हर महादेव, जय बिरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है, देवतु को अक्सर क्या करते हैं, हम अघोर खिला देते हैं कि यार इस भाव में कि यार देवता होगा तो पकड़ लेगा, देवता होगा तो परीक्षा लेने के लिए भी बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो इसी में की कहानी है कि एक लड़की ने किस प्रकार गोलजू देवता को अघोर खिलाने की कोशिश करी और उसके बाद क्या परिणाम हुआ, चमड़खानी गोल देवता कैसे बिगड़े। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है चमड़खानी गोल देवता की, और किसी भाई को भी लगेगा कि यार ये असत्य है कहानी, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो मैं आपको जरूर इस बात का प्रमाण, और ये दोस्तों माने या ना माने लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवानों में इस चीज़ का अंतर होता है, जो हमारी माताएं और जो बहनें हैं वो सब समझती हैं, लेकिन आज की यूथ की जनरेशन इस चीज़ को नहीं मानती है, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसी में की मेरी कहानी है। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की थोड़ा सा एक सच्ची स्टोरी रख रहा हूँ मैं, और ज़्यादा बड़ी नहीं है आप लोगों को सच बताने के लिए। दरअसल काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों को अचानक से संदेह हुआ कि यार हेम भाई कहाँ चले गए, क्योंकि अचानक से सोशल मीडिया से हट जाना और नंबर बंद हो जाना, अचानक से काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों के मन में शंका और ये डाउट पड़ गए थे। उन्होंने कहा यार क्या हो रहा, और लगातार मेरे को यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगातार मैसेज आ रहे थे और किसी लाइव भी नहीं जा रहे थे। तो सभी लोगों ने, दरअसल मैं आप लोगों के सामने कहानी रख रहा हूँ, दरअसल 14 तारीख को मैं कहीं जा रहा था तो मेरे से फ़ोन गिर गया, कहीं गुम हो गया। जब गुम हो गया दोस्तों, तो अब जिस किसी को भी मिला होगा, जिस किसी भाई को भी मिला होगा, तो उनने फ़ोन काय में डाल दिया, फ्लाइंग मोड पर डाल दिया, फ्लाइंग मोड पर डाल दिया। तो अब फ़ोन उनसे भी क्या हो गया, उनसे भी गुम हो गया। तो दोस्तों 14 दिन तक मेरा फ़ोन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है, विश्वास के हर हमेशा जीत होती है, विश्वास था कि जब भी मेरा नंबर खुलेगा तो मेरा फ़ोन मुझे मिल जाएगा, इतना विश्वास था मेरे पर। तो काफ़ी मेरे को काफ़ी दिक्कतों का सामना आया, मेरे को फ़ोन नहीं, अब 24 घंटे जो फ़ोन में और लगातार वीडियो और सर्च करना इधर उधर से रहता था मेरा, तो वो सारा क्या हुआ, प्रोसेस रुक गया। फिर मेरा फ़ोन, कहते हैं ना आज के टाइम पे सच्चाई और अच्छे इंसान नहीं होते हैं, तो किसी नेक दिल इंसान को हमारा फ़ोन मिला, जिनका नाम योगेश जी है, और योगेश जी द्वारा जब फ़ोन उनके हाथ में मिला तो सीट के नीचे या इधर शर्ट में कहीं छुपाया हुआ है कुछ भी उनको मिला। जब मिला तो उनने फ्लाइंग बोर्ड उनको खोलना नहीं आया, तो योगेश प्रसाद जी के कन से जब फ्लाइंग मोड खुला, फ्लाइंग मोड खुलने के बाद उसमें मेरे दूसरे, दरअसल मैंने एक नंबर बंद कर दिया था, दूसरा नंबर भी मेरा दूसरे दिन बंद होने वाला था, तो दूसरे दिन वो नंबर भी मेरा बंद हो जाता। लेकिन ठीक उसी टाइम पर योगेश जी के पास जो मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे ने कॉल करा, और मेरे जब भतीजे ने कॉल करा तो वो फ़ोन योगेश जी से उनकी वार्ता हुई कि योगेश जी ने कहा फ़ोन मेरे पास है और आप कभी भी आके आप मुझसे ले लेना, और ईमानदारी ये होती है। उन्होंने कहा मैं रोडवेज का कर्मचारी हूँ और आप मेरे फ़ोन, आप फेसबुक में आके या कहीं पर भी आके आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं, उनने अपना नंबर दिया पर्सनली, उन्होंने कहा इस नंबर पर कॉल करना मुझे और आप मुझे फ़ोन ले लेना। दरअसल इस बीच में जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक फ़ोन भी दिया, उन्होंने कहा हेम भाई, जब मैंने उन्हें बताया कि यार ऐसी घटना हुई है तो उन्होंने मुझे पोस्ट द्वारा एक फ़ोन भी भेजा, हेम भाई तुम मेरा फ़ोन चलाओ जब तक, तो मेरे घर पर फ़ोन भी आया, तो इज्जत फ़ोन उनका लौटाया कि मैंने कहा मेरा फ़ोन अब मेरे पास आ चुका है। तो फिर इस कारण से दोस्तों मैं आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, और किसी भाई को लग रहा होगा कि यार ये झूठी घटना है, ऐसी सच्ची घटना, मैं आपको पुलिस कंप्लेंट मैंने लिखाई हुई है, नीचे पुलिस की मोहर भी होगी और पुलिस में कंप्लेंट भी कराई मैंने, और तब भी पुलिस, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पुलिस तो कार्य एकदम नहीं करती किसी चीज़ में भी, तो उन्होंने कैसे कैसे बोले, क्या क्या नहीं बोला, क्योंकि हर किसी को जुलझना पड़ता है इस क्षेत्र से, जब भी अगर किसी का फ़ोन या कोई भी अगर पर्सनली व्यक्तिगत चीज़ खोती है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना, अगर कोई चीज़ खुद खोता है तो उनको भी जूझना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हर हमेशा सत्य की जीत होती है, और सच्ची एक ऐसी चीज़ है, इंसान को सच्चाई पर रहना चाहिए। इतना विश्वास था क्योंकि मैंने इस फ़ोन से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करा है, तो मेरा फ़ोन मुझे ज़रूर मिल जाएगा, और ये मेरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से लिया हुआ था। तो दोस्तों ये पुनः नहीं, तो फ़ोन जैसी चीज़
अगर उनके दिल में भी या किसी के मन में भी आती चलो यार उसको नहीं दे रहे या तोड़ देते या फेंक देते या कुछ भी कर देते, तो दोस्तों अच्छे इंसान हर हमेशा अच्छे ही रहते हैं चाहे किसी क्षेत्र में भी। तो दोस्तों कहानी में आगे कहानी है, दरअसल ये कहानी किस तरीके से गोलजू देवता को अघोर खिलाया और किस तरीके से फिर गोलजू देवता ने अपना न्याय वगैरह करा। दरअसल दो दोस्त थे और घने मित्र थे, अक्सर अपने मित्र के वहाँ वो एक दूसरे के वहाँ जाया करते थे। जो इनके गांव के जो प्रचंड मतलब आते थे वहाँ चमड़खानी गोल देवता एक महिला पर आते थे खेलने के लिए और वहाँ खेल करके वहाँ के स्थानीय लोगों का फैसला कर करते थे चमड़खानी गोल देवता। एक विनोद नाम का दोस्त होता है और दूसरा मनोज। तो ये मनोज जो होता है वो विनोद को कहाँ क्या करता है, मेरे घर आओ, ये काल्पनिक नाम है दोस्तों, सत्य के आधार पर नहीं नाम। तो विनोद कहता मेरे घर आओ और मेरे घर में तुम्हें कहीं पर ले जाऊंगा घुमाने। तो कहते चलो ठीक है मनोज भाई, हम तुम्हारे घर में आते हैं और आज तुम्हारे घर में ही रहेंगे। और जो मनोज की वाइफ थी, दरअसल हमारे पहाड़ों का रिवाज है दोस्तों, जब कोई भी अलग वगैरह जिसको औरत को महा वगैरह जो भी आते हैं तो उन 5 दिन तक हमारे देवतों पर लगना और मंदिर वगैरह में खुद ही हमारी महिलाएं जो होती हैं वो नहीं जाती हैं, घोर में देवतों के पास नहीं जाती हैं, खुद ही अपने नियम से रहते हैं। तो इसी प्रकार से वाइफ थी मनोज की, तो वो गाय पिला के भैंस पिला के दूध वही लेकर आ रही थी। उसने किसी को घर में नहीं बताया कि यार हम देवी देवता वाले डंगरिया। अब उनने भी सोचा कि ये ऐसी हैं, कोई इनको देवतों का वासा थोड़ा होगा, उनने भी उसको भी पता नहीं था कि यार ये देवतों वाले हैं करके। तो जैसे ही विनोद उनके घर में पहुंचा और मनोज के साथ, तो जो उनकी वाइफ थी उनने कहा क्या खाओगे तुम, क्या खाओगे? उनने कहा मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। तो वो दूध गर्म करके लेकर आई और दोस्तों जैसे ही मनोज के हाथ में और विनोद के हाथ में दूध का भरा हुआ गिलास दिया, तो जो मनोज था, मनोज ने उस दूध के गिलास को देखा, जैसे विनोद ने जब देखा दूध के गिलास को तो उसको दूध के गिलास में खून नजर आ रहा था। तो वो एकदम डर गया, उनने कहा ये खून नजर क्यों आ रहा है मेरे को? जब उनने सही से देखा तो उनने कहा ये तो दूध है पूरा वाइट वाइट है। तो उनने उससे पूछा यार ये तो ऐसा, उनने कहा कुछ नहीं। अब उनने कहा ये बात अगर मैं इधर लोगों को बोलता हूँ तो ये मेरी मजाक बनाएंगे कि तू बड़ा है वो हो रहा है ये सब करके बोलते हैं ना, अब मजाक बनाने वाले भी डरते हैं कोई भी। तो इनने वो दूध को पी लिया, अब दूध का स्वाद तो दूध जैसा ही होगा दोस्तों, पिया इनने। उसके बाद क्या हुआ, जो मनोज की पत्नी थी वो क्या हुआ, वो गाय पिलाने गई दूसरी बार। जब गाय पिलाने गई थी तो जैसी गाय पिला के आड़ा ले रही थी दीवार पे, ऐसा आड़ा पिला के पिला रही थी ऐसे, उसके बाद दोस्तों 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो क्या हुआ, वो वहीं पर चिपक गई दीवार पर। और उसके बाद वो कई कोशिश कर रही है, कई कोशिश कर रही है, वो दीवार से मतलब अपना को छुड़ा ही नहीं पाई। तो अब जितने वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे जितने, वो सब ने कहा यार क्या अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तो मनोज गया गोठ में, तो मनोज ने कहा तू अभी तक नहीं आई क्या बात, यहाँ पर वो जा रहा है विनोद जा रहा है घर को और तू अभी तक गाय पिलाने में रह गए साथ में, क्या हो रहा है तेरे को यहाँ पर है, आ के नहीं रही फटाफट मनोज विनोद? तो कह रही मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आ नहीं रही हूँ, गोठ से बाहर ही नहीं आ पा रही, मैं तो यहीं चिपके रह गई दीवार पर, कुछ तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तू मजाक कर रही है? उन्होंने कहा मैं जब साले तू जैसी बोल रही है। तो इतने में उन्होंने विनोद को उनको सबको बुलाया अपनी पत्नी के साथ मजे लेने के लिए। उन्होंने कहा देखना तो तेरी भाभी क्या कह रही, मैं दीवार पर चिपके रह गई। तो अब विनोद भी आया, विनोद ने भी देखा, अब उसकी पोजीशन ही ऐसी बनी हुई थी कि उसको भी हंसी नहीं रुकी गई। विनोद उन्होंने कहा भाभी तुमको क्या हो गया? अरे आज वो वहाँ से मजाक करने लग गया विनोद उससे, भाभी तुमको क्या हो गया, तुमने तो बिल्कुल तुमने अजब भी कर दिया, नजर भी कर दिया तुमको यार बहुत। तो अब वो देवर था, देवर अलग मजे ले रहा था विनोद, अब उन देवर भाभी में मजे चलते रहे, मजाक हो रहा। अब इतने में बोलते हैं जिसके प्राणों में बीती रहती उसको तो अच्छे से खबर रहती है, कहती नहीं नहीं देवर जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत में कह रही हूँ यार मैं तो चिपक ही रह गई यहाँ दीवार पर, तुम यार एक काम कर दो किसी को बुला के लगाओ बबूती लगाने के लिए, मेरी तो तबीयत खराब हो रही, मैं छूटी नहीं रही हूँ यहाँ से। उन्हें भाभी क्या बबूती लगानी तुमको, हम ही लगा देते तुमको बबूती यार यहाँ से। उन्हें कल लो भाभी कर देता, अब वो करे यहाँ से कुछ हो ही नहीं, वो दीवार पे चिपके रहेगी क्योंकि वहाँ तो अघोर खा लिया था उन सबको, अघोर में रख दिया था उनने। अब विनोद को भी शक जैसा हो गया, उन्होंने कहा यार क्या हो रहा, हमारी बबूती अबूती कुछ काम नहीं कर रही, कुछ तो चक्कर हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा इसमें। तब उसका दिमाग भी चक्कर में पड़ गया, उन्होंने कहा यार काम करते हैं। तो इतनी इस्तफाक से
उस गांव की महिला जिस पर चमड़खानी गुल देवता आते थे वो उधर को जा रही थी, तो बोलते न्योत ऐसे पड़ जाता दोस्तों, तो जा रही थी तो इतने में सबने उसको पकड़ दिया। उन्होंने कहा यार वो वहाँ चिपकी रह गई, तुपकी रह गई, बहुत देर हो गई, 2-3 घंटे हो गए छुट्टी नहीं दी दीवार से, क्या चक्कर होगा, तुम चलो तो देखने, तुम चलो तो देखने। जैसे वहाँ बुढ़िया पहुँची वहाँ पर, और बुढ़िया पहुँचते ही क्या हो गई, वहाँ नाच गई चमड़खाने गुल, चमड़खाने की ढाक ला रहे, तो मेरा भरदार से, तो तेरी गच्छी ला रहे से, तो की साँप रो से, तो मेरा भरा चमड़खाने में आजे, तो गच्छी ला रहे से, तो सोर की ढाल दे रहे, आ बोलिया, चमड़े माम की ढाल लाए चमड़खाने में, वो बोलिया अम्मा, उठा खाने ढाल ला रहे, रंग के लिए बाज बन गए जिन्दे पड़ गए से, पूजा हरो, आ बोलिया मामू धजला रे चमड़ा खाना मजा मजे जानो चमड़ा खाना मजा सुखाल चमड़ा खाना मजा सुखाल चमड़ा खाना मजा गोयल देवता जय मामू की करके नाच गए। उन्होंने कहा उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं चिपके कैसे रह गई, परमेश्वर भगवान ही बताओ तुझे। उन्होंने कहा और खिला लोगों को अघोर, तूने मेरे को अघोर में खिलाया तो मैं छोड़ दूंगा तेरे को। उन्होंने कहा मैंने कब खिलाया अघोर में। उन्होंने कहा देख तू सबसे छिपा सकती है, इस गोयल से नहीं छिपा सकती, अभी तो छिपका ही रखा है, अगर ज्यादा कहेगी तो मैं और ज्यादा कर दूंगी। उन्होंने कहा मैंने तुमको कब खिलाया अघोर भी बता दो, तुम कह रहे हो मेरे को अघोर खिलाया, मैंने तुमको कहाँ खिलाया अघोर ये बताओ। उन्होंने कहा जिस पर तूने अघोर खिलाया है, जिनको तूने अघोर खिलाया है, क्या वो गोयल अलग है क्या, वो गोयल के डंगरिया है, पूछ ले उनसे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हाँ हम तो गोयल के डंगरिया है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा तू ये सोच रही कि मैं इसको अघोर खिला के और ये करके इसी को जब मेरे को अघोर खिलाएगी तभी मैं नाचूंगा क्या, किसी के साथ भी अगर तू करेगी तो वो तो मेरे को ऐसे होगा, चाहे मैं ही हूँ हर जगह वास, रूप मेरे अलग है, वासे अलग अलग है, लेकिन गोयल एक ही होता है, मैं हर किसी दंड के हिसाब से न्याय करता हूँ। तब उन्होंने कहा प्रभु महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके उन्हें नकमस्तक हुई, नकमस्तक होने के बाद उन्होंने कहा गुलजू मेरे को अभी क्षमा करो और मैं 5 दिन में फिर तुम्हारी पूजा का विधि विधान करूंगी सब चाहे, और जितना मुझसे हुआ मैं वो करूंगी। तब जाके उस घर में 5वें दिन जब वो आई, नहाया धोया उन्हें, फिर टड़ी उन्हें वचन दिया, उन्होंने कहा आज के बाद मैं हर महीने में जब भी मेरे को वहाँ आएंगे तो मैं अलग टड़ के पूजा विधि विधान करूंगी। तो 5वें दिन 6वें दिन जब घर में जागरण लगाई, 7वें दिन जागरण लगाने के बाद तब जाके उन पर मिनार थान गोल देवता खेले और उनके पति पर भी खेले, पति पर भी खेलने के बाद तब जाके उन्हें न्याय करा। उन्होंने कहा हम अघोर में पड़ गए थे और अघोर में डालने के कारण हमारी बबूती अबूती सब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तब जाके स्त्री रोती है, कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं आगे से इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखूंगी कि देवता की पूजा कब करनी है और कैसे नियम से रहना है। तो दोस्तों ये कहानी मेरी सत्य घटना पर है, आपको लगे कि यार हमें इस कहानी का प्रमाण चाहिए तो आप 5 दिन के अंदर मुझसे कभी भी प्रमाण मांग सकते हो, तो मैं आपको प्रमाण दे दूंगा 5वें दिन से 6वें दिन में नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे रेगुलर जो सब्सक्राइबर है मैं उन्हीं लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, और बाकी दोस्तों अगर आप कहीं से भी पूछो तो मैं फिर बाध्य नहीं होता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी होगी और आपके पास भी कोई भी ऐसी कोई कहानी या सच्ची घटना है कि देवी देवताओं से रिलेटेड आप मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो तो आप दोस्तों मेरे पास भेज सकते हो, मैं जरूर वो कहानी आपकी संज्ञान में लूंगा दोस्तों। धन्यवाद। चंपावती राजा हले बेताली घाट में आए नगुआ मशान के शायद जे म्योर कही जय राजा न्याय मजरदा।
बचले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा रोनिया बदन में आग जो लागे तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लागे तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो ला सुनी बेरा घर होने जब लौटनी नकुआ मशान की कहानी गणी आबा राजा ते गणी सुनाई हो नको नारी की कहानी छा हो रजुगनी एका पति धर्म नारी को गर्भ ध्याना होया दीवान कहानी फिर जो सुगड़ा ची नारी पति विरता पचिन को इंसा भाई को शांसा करे मैं ता मेरी जोला हो बेटा ले घाटे महा सोन भादो की बर्फ जो टूट रे सोन भादो की गंग जो भरी रे घुनु घुनु घास जो आरो अर्जा बटा लगी नारी हो बेटा ले घाटे ऐसी भी बता